टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप एकदम अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ भरवा, और वो भी बना रही हूँ शिमला मिर्च का। साइज़ मेरा थोड़ा बड़ा था, ये भरवा वाला साइज़ नहीं था, फिर भी बना था अच्छा। आप लोग भी ट्राई करना और बताना मुझे। तो यहाँ पे जो मतलब मसाले वगैरह मैंने बनाई थी उस दिन, उसी दिन का है, बचा हुआ था, तो मैंने सोचा इसका भरवा भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले वही है जो उस दिन मैंने डाला था। थोड़ा सा मैंने इसमें और मैंने इसमें एक्स्ट्रा प्याज ही मिलाया था। अगर आप चाहें तो थोड़ी स्पाइसी वगैरह और बना सकते हैं। तो ये देखिए सारे मैंने आलू बॉयल करके कर दिया था, 4 से 5 था मेरा, आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और मैंने वैसे ही बॉयल किया था जैसे उस दिन मैंने किया था। तो ये देखिए बन के एकदम अच्छे से मेरा तैयार है भरुआ। और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। तो कढ़ी मैंने पहले से ही घोल वगैरह बना लिया था, उसका जो पेस्ट था अच्छे से मैंने उसमें थोड़ा सा नमक ही ऐड किया था, उसके बाद कुछ नहीं। यहाँ पर मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है, मैं चेक कर रही थी कि मेरा हुआ कि नहीं हुआ। तो सारे जो ऐसे पकौड़ी आपको बना लेना है सेम प्रोसेस से, और पकौड़ी वगैरह तो सबको आता बनाना, और कढ़ी भी सबको आता होगा, लेकिन जो मैंने बनाया तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो मेरा एकदम डिफरेंट तरीके से, क्या पता आप लोग भी ऐसे बनाते हों, फिर भी मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर भी हो जाए। और ये पकौड़ी ना बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, ट्राई ज़रूर करिए। और कमेंट करके मुझे बताना कि कितने लोगों ने बनाया, किनको अच्छी लगी किनको नहीं। पकौड़ी जो है तैयार है, ये देखिए अब सारे इसी प्रोसेस से सब निकाल लूँगी मैं पकौड़ी। और पकौड़ी ना इतनी अच्छी से फूलती है ना, अगर आधे घंटे घंटे पहले से आप इसको मतलब इसका जो घोले बना के रख देंगे, पेस्ट जो भी कह लीजिए। तो यहाँ पे मेरी पकौड़ी जो अधिकतर बन चुकी थी। ऐसे प्रोसेस में सारे आपको बना लेने हैं जैसे आप लोग बनाते हैं। और इसमें थोड़ा सा चेंज, ये देखिए पकौड़ी एकदम खिली खिली सी, तो यहाँ पर मेरी पकौड़ी हो गई। यहाँ पर मैंने डाल दिया है मिर्ची थोड़ा, सॉरी मैंने यहाँ पर मेथी जीरा डाल दिया है, थोड़ी सी कड़ी पत्ती भी ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैं सारा मसाला यहाँ पर मैंने लिया है, चॉप किया है, मतलब प्याज लहसुन हरी मिर्च और थोड़ी सी मैंने हरी धनिया भी लिया था। तो यहाँ पे मैंने टमाटर भी चॉप करके रख दिया, अगर आप चाहें तो ग्राइंडर कर सकते हैं, सारे मसाले आपके ऊपर है। तो ये देखिए अच्छे से मैं भून लूँगी। उसके बाद मैंने थोड़ा लिक्विड से थोड़ा मसाला तैयार किया था, जिसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा पाउडर, कश्मीरी मिर्च थोड़ा सा मैंने ऐड कर लिया। और इसके बाद मैंने जो कढ़ी है घोल के मैं इसमें डाल दी हूँ। अब अपने टेस्ट के अनुसार जितना गाढ़ा वो करना चाहिए। उसके बाद मैंने जो दही को अच्छे से फेंट लिया था कि उसमें लम्स वगैरह ना बने। तो ये देखिए मेरी कढ़ी है, मतलब फ्राई कर लिया मैंने अच्छे से। उसके बाद देखिए तैयार हो गई मेरी कढ़ी, फिर मैंने नमक लास्ट में डाला। उसके बाद मैंने यहाँ पर तड़का भी लगाया है। तो गाइस पहले मुझे कढ़ी को पका लेना है। ये देखिए अच्छे से बॉयल आ रहा है। अब जो आपने पकौड़ी बनाई है आप इसमें अब डालेंगे उसको, इसके बाद 10 या 5 मिनट तक और पका लेंगे। और ये कढ़ी का जो स्वाद होता है ना बहुत अच्छा आता है। और बाद में मैं इसमें तड़का भी लगाऊंगी। तो ये देखिए सारी पकौड़ी जो है मेरी बन के जो तैयार हुई थी, थोड़ा सा मैंने आप लोगों से बोला था कि थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मतलब रेड हो गया था ज़्यादा, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं ज़्यादा कम। तो ये मैं कुछ काम करने लगी थी इस वजह से हो गया था ऐसा। तो ये देखिए पकौड़ी ये अच्छे से पकने लगी। पकने के बाद आप इसमें पकौड़ी जो है इसको डाल देना, और कढ़ी जब ये अच्छे से रिमूव हो जाए, आई मीन जो एकदम अच्छे से पक जाए, उसके बाद आपको लास्ट में जैसे 10-5 मिनट रह जाए कि आपको उतारना है ना, गैस बंद करना है, तभी आप इसको मतलब डालना। ये देखिए फिर ये देखो कढ़ी मेरा पक के एकदम अच्छे से तैयार हो गई है। अब यहाँ पर मैं तड़का लगाऊँगी। यहाँ पे मैं तड़के में थोड़ा सा घी लूँगी और साबुत 2 मिर्च है वो लूँगी, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हींग यहाँ पे मैंने स्किप कर दिया, आप लोग डाल देना। और ये देखिए मेरी कढ़ी की जो तड़का है अच्छे से पकना स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने 2 स्पून लिया है घी देसी, अगर आप चाहें तो ऑयली ऑयल जो भी आप खाते यूज करते हैं वो आप कर सकते हैं, आप अपने ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे भी। लेकिन ये ना अगर घी से तड़का लगाएंगे छौंक इसका ना, तो इसका जो कढ़ी का स्वाद होता है बहुत अच्छा आता है, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा गाइस। तो ये देखिए मेरा तड़का अभी 2 या 3 मिनट में पक के तैयार हो जाएगा। ये कढ़ी भी ट्राई करके बताना मुझे कमेंट करके ज़रूर आप लोग, कि कितने लोगों ने कढ़ी ऐसे बनाई, और जो कढ़ी नहीं खाते होंगे तो वो ज़रूर खाएँगे। यहाँ पर जो है मेरा कढ़ी तैयार हो गया, यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया है, मतलब तड़के का जो एक अच्छा सा लुक आ जाता है ये देखिए कढ़ी का एकदम, और जो नहीं खाते होंगे खाएंगे जरूर। तो यहाँ पे मेरी कढ़ी जो है तैयार हो गई है। उसके बाद मैं यहाँ पे चावल बनाना स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुकर रख दिया है गैस जला के, चावल मैंने पहले से ही वाश करके इसको रख दिया है कि 10 या 15 मिनट अच्छे से ये फूल जाते हैं ना, तो चावल बनाने का ये खिला खिला सा चावल बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर मैंने घी डाला है, अगर आप चाहें ऑयली ऑयल जो भी खाते हो आप डाल सकते हैं अपने अपने स्वाद के अनुसार। तो यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया है, अभी मेरा जीरा हो जाएगा। उसके बाद जो मैंने चावल जो है डालना है ना मुझे, तो यहाँ पे मैंने अपने मतलब फैमिली के हिसाब से मैंने लिया था, आप जितना भी आप खाते हो उस हिसाब से आप
आप मतलब डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चना भी ऐड किया था, ये चना चावल जो है ना बहुत ही अच्छा बना था, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना चना डाल के। तो ये देखिए जो उसके बाद इसको अच्छे से हम चला लेंगे कि ये ना जो जीरा है अच्छे से पक जाए, उसके बाद ना फिर यहाँ पर चावल जो वाश करके रखी हूँ वो मैं डालूँगी। अगर इसमें चाहे तो पनीर, आप अपने मतलब जो आपको सही लगे, पनीर डालते हैं बहुत लोग, मटर डालते हैं, तो यहाँ पे मैंने चना डाल के बनाया है। तो मैंने फर्स्ट टाइम चना डाल के बनाया था, लेकिन अच्छा बहुत लगा था, ट्राई ज़रूर करिएगा आप लोग भी। और जो मतलब ये खाते नहीं होंगे ना शिमला जो भरुआ वगैरह, तो ये इस तरह आप बनाएंगे ना तो ज़रूर खाएंगे, एक बार खाएंगे ना तो बार बार कहेंगे आप लोग से कि बनाइए मैं, मुझे खाना है, ऐसा कुछ फीलिंग आएगी उन लोग के अंदर। तो वो मैंने सोचा कि आप लोग शेयर, तो आप लोग बताना ज़रूर गए। तो गाइज़ ये ना जो मेरे चना डालने का कोई प्रोसेस नहीं था कि मुझे डालना ही डालना है, तो इसमें चना ना सुबह टाइम में नाश्ता जो बना था ये बच गया था। तो मैंने सोचा ऐसे इससे अच्छा कि इसको ना मैं डाल के चावल में ही पका दूँ, खा भी लेंगे और मतलब वेस्ट भी नहीं होगा और यूज़ भी हो जाएगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे डाला है। तो यहाँ पे मेरा जो चावल है भुन चुका है, अब यहाँ पे मैं डालूँगी मतलब पानी। आज मैंने ना वीडियो वगैरह कोई शूट नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैं डायरेक्टली किचन का ही मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ रेसिपी ही शूट करूँगी, क्योंकि वीडियो ना लंबा हो जाता है, इस वजह से मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाती हूँ, कभी कभार मेरा वीडियो भी थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, तो हम सोचते हैं आप लोग बोर ना हो। और मैं भी वीडियो देखती रहती हूँ ना तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मुझे मिलता रहता है, और कोई भी देखता है ना तो कुछ कुछ क्वालिटी होती है जो मोटिवेट करने में काम आता है, तो बस वही हम भी करते हैं। तो आप लोग चावल यहाँ पे एकदम अब मुझे पैक कर देना है, एक या दो सीटी लगाऊंगी मैं, चावल एकदम अच्छे से खिले खिले से तैयार हो जाएंगे। और ऐसे चावल बना के आप लोग भी ट्राई करिए, बहुत लोग बनाते होंगे, ऐसी बात नहीं है, नहीं कहेंगी मैम हम लोग को भी आता है ये सब चीज़, तो वो आता तो है लेकिन अलग अलग अपना ट्रिक होता है ना बताने का, तो वो एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरा हो गया है चावल जो है, अब मैं सीटी लगा दूँगी, ढक्कन कवर कर दूँगी। ओके गाइज, अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना, मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिएगा, खुश रखिए, खुश रहिए। तो ये गाइज यहाँ पे मैंने कवर कर दिया है, अब मैं बोल रही हूँ बाय बाय, कल मैं फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। और यहाँ पे जो है मैंने कढ़ी एंड चावल मेरा रेडी है, आप लोग भी आ जाइए, बाय बाय।